बीमा, सब लोगों ने धोखा दे दिया है मुझे। मैं आपके साथ हूं माय फ्यूरर। तुम जानती हो मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की? नहीं, क्योंकि मेरा पहला प्यार मेरा मुल्क था, जर्मनी। मैं तुम्हें सौतन नहीं बनाना चाहता था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं फिर मैं समझ सकती हूँ। कोई औपचारिकता नहीं है कि मैं आपको अपना मित्र संबोधित कर रहा हूं। मेरे कोई शत्रु नहीं है। अपनी जन्मभूमि के प्रति आपकी निष्ठा और साहस पर हमें कोई संदेह नहीं है, न ही हम ये मानते हैं कि आप एक अति क्रूर व्यक्ति हैं, जैसा कि आपके विरोधी कहते हैं। आपकी अपनी तथा आपके मित्रों एवं प्रशंसकों की रचना एवं घोषणा, इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आपके बहुत से कार्य मानव जाति की प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय है, जैसा कि आपके द्वारा चेकोस्लोवाकिया का अपमान करना, पोलैंड को लूटना एवं डेनमार्क को निकल जाना। हमारी मंशा अंग्रेजों को हानि पहुंचाना नहीं है, हम उनका हृदय परिवर्तन चाहते हैं, न कि युद्ध के मैदान में उनकी पराजय। ये शासक हमारी भूमि एवं शरीर को तो अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु हमारी आत्मा को नहीं। यदि ब्रिटिश नहीं तो कोई अन्य शक्ति आपके तरीकों को सुधार कर आपको आपके ही अस्त्रों से परास्त करेगा। आप अपने लोगों के लिए कोई भी ऐसी विरासत छोड़कर नहीं जा रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व हो सके। सदैव आपका सच्चा मित्र एम के गांधी। मैं पहले विश्व युद्ध में एक सिपाही की हैसियत से फौज में आया था। तब से लेकर आज तक 30 साल से भी ज्यादा हो गए। मैंने जो भी काम किए, जो भी फैसले लिए, सब देशवासियों के हित को ध्यान में रखकर लिए। जर्मनी के लोगों ने ही उनके लिए जीने की, उनकी सेवा करने की और उनके लिए लड़ने की ताकत मुझे दी। क्या आप मिस ईवा ब्राउन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? बेशक, मैंने कभी नहीं चाहा कि ये युद्ध हो। ये युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया है। मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद इतिहासकार अपने पन्नों पर मुझे एक दरिंदे की तरह पेश करेंगे। अब मैं आपको पति पत्नी घोषित करता हूं। मेरा यह मानना है कि यूरोप के देशों की
शेयरों की तरह जो खरीद फरोख्त चल रही है, ज्यूस उसका जिम्मेदार है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये युद्ध होता है तो यूरोप के करोड़ों मर्द, औरत और बच्चे मारे जाएंगे और मुजरिमों को सजा तक नहीं मिलेगी। जर्मनी के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे ताकि वो अभी सर न उठा सके। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैं अपनी मौत के बाद डॉक्टर गोबल्स को थर्ड राइट का चांसलर नियुक्त करता हूं। मैं अपने देश के लिए सर झुकाने की बजाय सर कटाना पसंद करता हूं।